तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी पाठ चार, हिंदी का पाठ चार चर्चा करेंगे। पाठ चार में क्या है? आलू। एक छोटा सा कहानी है, रोचक कहानी। कहानी का नाम क्या है? आलू। इधर दिया हुआ है चौथा दिन, फिर सप्ताह 12। आलू है, कहानी का नाम है आलू। चित्र में जो देख रहे हैं, चित्र किसका है? किस चीज का चित्र है? आलू का चित्र है। आलू खाए हैं आप लोग? आलू का क्या बनता है? सब्जी। आप लोग आलू का सब्जी खाए हैं ना? कैसे लगता है? और सब्जी का राजा भी है आलू। सब्जियों का राजा किसे कहा गया है? आलू को कहा गया है। तब मोहन अपने चाचा के साथ बाजार गया। एक लड़का था जिसका नाम क्या था? मोहन। मोहन नाम का लड़का अपना चाचा जी के साथ बाजार गया। एक आदमी आलू बेच रहा था। एक आदमी क्या कर रहा था बाजार में? आलू बेच रहा था। मोहन अपना चाचा के साथ बाजार गया, तभी देखा मोहन ने एक आदमी आलू बेच रहा है। क्या बेच रहा था एक आदमी? आलू। मोहन को आलू का चोखा अच्छा लगता है, और मोहन को आलू का चोखा क्या लगता है? अच्छा लगता है। मोहन ने चाचा को आलू खरीदने के लिए कहा, और मोहन जो है ना सबसे अधिक आलू का चोखा पसंद करता है, खाना उसका फेवरेट है आलू का चोखा। तो मोहन ने चाचा को क्या खरीदने के लिए कहा? आलू खरीदने के लिए कहा। चाचा ने आलू का भाव पूछा। चाचा ने क्या किया? आलू का भाव पूछ लिया। आलू का भाव 20 रुपये किलो था। आलू का भाव क्या था? 20 रुपये किलो, प्रति किलो था आलू का भाव। चाचा ने 60 रुपये में 3 किलो आलू खरीदा। चाचा ने क्या खरीदा 60 रुपये में? कितना आलू खरीदा? 3 किलो आलू खरीदा चाचा ने। अब मोहन काफी खुश था, और मोहन क्या था? काफी खुश था। क्यों था खुश मोहन? क्योंकि चाचा ने आलू खरीदा, और मोहन क्या बनाएगा? आलू का चोखा खाएगा। आलू का चोखा खाएगा। चोखा पसंद करता था ज्यादा। आप लोग भी कोई चीज खाना पसंद करते हैं अधिक? आलू का सब्जी बनता है, समोसा बनता है, बनता है ना? तो मोहन को पसंद था आलू का चोखा। तो चाचा कितना क्या केजी खरीदा था आलू? 3 केजी। 3 केजी का दाम कितना था? 60 रुपया। 1 केजी कितना दाम था? 20 रुपया। अब देखिए यहाँ कुछ प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कहानी आप लोग समझ गए ना? अभी जवाब देना। अभ्यास के प्रश्न। अब कुछ प्रश्न दिया है। मोहन को किसका चोखा अच्छा लगता था, बताइए? पेंसिल है आप लोग के पास? लीजिए। तो मोहन को किस चीज का चोखा अच्छा लगता था? आलू का चोखा अच्छा लगता था। यहाँ लिख देना है। आलू का किस चीज का? आलू का, आलू का चोखा अच्छा लगता था। आलू का चोखा किसको अच्छा लगता था? अच्छा लगता था। दो नंबर में है क्वेश्चन, आलू का भाव कैसा? हाँ, आलू का भाव कैसे किलो था? 20 किलो। आलू का भाव क्या रुपया केजी बिक रहा था आलू? 20। अरे 3 केजी का था 60 रुपया, 1 केजी का कितना था? 20 रुपया किलो बिक रहा था आलू। कितना बिक रहा था? 20 रुपया किलो बिक रहा था आलू।
तीन नंबर में है मोहन किसके साथ बाजार गया। तीसरा सवाल क्या है, मोहन किसके साथ बाजार गया, किसके साथ बाजार गया था? अपना चाचा के साथ। आप लोग कभी अपना चाचा के साथ गए हैं बाजार ना? चाचा के साथ। चाचा के साथ में किसके साथ में बाजार गया था? चाचा के साथ। अब यहाँ खाली जगह को पाठ से ही शब्द लेकर भरिए। मोहन ने चाचा को खाली देखिए यहाँ दिया ना, खाली जगह खरीदने के लिए कहा। क्या कहा खरीदने के लिए? आलू। यहाँ क्या भर देना है? आलू। यहाँ भर देना है हो जाएगा। मोहन ने चाचा को आलू खरीदने के लिए कहा। क्या खरीदने के लिए कहा? अब फिर यहाँ चाचा ने कितना किलो आलू खरीदे? यहाँ खाली जगह में भराएगा। क्या किलो खरीदा? यहाँ लिख देना है 3 किलो। हो गया ना, चाचा ने 3 किलो आलू खरीदे। ठीक।